मैं अनुपमा, स्वागत है आपका। सबसे पहले आयुर्वेद दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष में मैं आपके लिए लाई हूँ 5 ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं जो आपको आपके घर पर जरूर से जरूर रखनी चाहिए। तो 5 दवाइयों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली आयुर्वेदिक दवाई है त्रिफला चूर्ण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 3 फलों के चूर्ण से मिलकर बना है, जो है हरड़, बहेड़ा और आंवला। त्रिफला चूर्ण एक बहुत अच्छे लेक्सेटिव के रूप में काम करता है, हमारी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है। मंद अग्नि होने की वजह से जो भी कब्ज, गैस, एसिडिटी या फिर अफारा की दिक्कत होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही हम डायबिटीज में, फीवर में या फिर कोई भी स्किन डिजीज है और हमारे आईज की हेल्थ के लिए भी त्रिफला चूर्ण का डेली यूज कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण को हमें कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 से आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात को खाना खाने से पहले लें। दोस्तों, दूसरी हमारी आयुर्वेदिक दवाई है सीतोप्लादी चूर्ण। सीतोप्लादी चूर्ण 5 घटक द्रव्यों से मिलकर बना है, जो है मिश्री, वंशलोचन, पीपली, छोटी इलायची और दालचीनी। कोई भी सर्दी, जुखाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, बुखार, इन सब में सीतोप्लादी चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। आचार्य चरक ने सीतोप्लादी चूर्ण का यूज राजक्षमा मतलब ट्यूबरक्लोसिस में बताया है। साथ ही सीतोप्लादी चूर्ण एक बहुत अच्छे लंग टॉनिक के रूप में काम करता है। इन सब चीजों के अलावा अगर हाथ पैरों में जलन है, भूख कम लगती है या फिर खाने के टेस्ट का हमें पता नहीं चलता है, तो उसमें भी सीतोप्लादी चूर्ण का बहुत अच्छा यूज है। सीतोप्लादी चूर्ण को लेना कैसे है? 1 चम्मच सीतोप्लादी चूर्ण को शहद में पेस्ट बनाकर फिर उसको खाना खाने के बाद सुबह और शाम ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरी हमारी आयुर्वेदिक दवाई है दशमूल क्वाथ, मतलब दशमूल का काढ़ा। नाम से ही पता चल रहा है, 10 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, मांसपेशियों में ऐंठन है या फिर कोई भी प्रकार की सूजन है, उन सब में दशमूल काढ़ा बहुत अच्छा और बहुत जल्दी काम करता है। इसके साथ दशमूल क्वाथ का सेवन हम कब्ज, गैस या फिर पेट के अफारे में भी प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड्स के टाइम पे होने वाले क्रैम्प्स हैं, सब में दशमूल क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। पहले ये परंपरा थी कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को दशमूल क्वाथ का 10 दिन तक सुबह और शाम को सेवन करवाया जाता था, जिससे डिलीवरी के बाद उनमें होने वाली कमजोरी या फिर खून की कमी, चिड़चिड़ापन, उन सब में दशमूल क्वाथ बहुत अच्छा काम करता था। तो आप भी ये ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई भी लैक्टेटिंग मदर है, उन सबको दशमूल क्वाथ का सेवन आप जरूर करवाएं। दशमूल क्वाथ का सेवन करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। शाम को 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच दशमूल काढ़े को भिगोकर रख दें, फिर उसको सुबह गैस पर चढ़ा दें, पतीले को ढकना नहीं है। जब वो 1/4 रह जाए तब उसका छानकर आप सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमें शाम को काढ़े का सेवन करना है उसको सुबह भिगोकर रख दें और शाम को उसका सेवन करें। दोस्तों, चौथी हमारी दवाई है अमृत धारा या फिर दिव्य धारा। ये 3 घटक द्रव्यों से मिलकर बनी है, जो है भीमसेन कपूर, अजवाइन का एक्सट्रैक्ट और पुदीना का एक्सट्रैक्ट। ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलती है। ये एक बहुत अच्छी पेन रिलीवर है। जैसे कोई भी प्रकार का दर्द है, मान लो सिर में दर्द है, तो 2-4 बूंद आप इसकी लें, वहां पर लगाए और मालिश कर उसको कपड़े से ढक दे,
बहुत जल्द ही आपको दर्द में आराम मिलेगा। अब अगर नाक बंद होने की समस्या है, सांस लेने में तकलीफ है या फिर छाती रुकी हुई है, तो उसी प्रकार से 2-4 बूंद लेनी है, मालिश करनी है और कपड़े से ढक देना है, तो इन सब समस्याओं में बहुत जल्द ही आपको आराम देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर्वाइकल का पेन है या फिर योगा करते टाइम या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम स्प्रेन आ गया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, मतलब पीरियड्स के टाइम पे होने वाला क्रैम्प्स हैं, उनमें भी आप कोई भी तेल लें, उसमें थोड़ी सी 4-5 बूंद इसके डालें और फिर उससे मालिश करें, बहुत जल्द ही आपको दर्द से आराम मिल जाएगा। छोटे बच्चों में अगर पेट में दर्द है तो इसी प्रकार से 2 बूंद उनके पेट पर मालिश कर दें और उनको दर्द में बहुत जल्द ही आराम मिलेगा। इन सब चीज़ों के अलावा इसमें जो कैम्फर डला है, मतलब भीमसेन कपूर डला है, उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कोई भी कीड़ा अगर आपको काट गया है तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवी और आखिरी हमारी दवाई है महासुदर्शन वटी। इसके बारे में बोला गया है, जैसे दैत्यों और राक्षसों का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र था, उसी प्रकार सभी रोगों का नाश करने के लिए महासुदर्शन वटी है। ये कुल 54 द्रव्यों से मिलकर बनी है। किसी भी प्रकार का बुखार है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, सब में महासुदर्शन वटी बहुत अच्छा काम करती है। एंटी मलेरियल ड्रग क्विनोन से भी बेहतर मलेरिया में महासुदर्शन वटी काम करती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। महासुदर्शन वटी का मेन इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होता है। कोई भी पुराने से पुराना बुखार है या फिर शरीर में थकान रहती है, कमजोरी है, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, सब में महासुदर्शन वटी बहुत अच्छा काम करती है। यह पौष्टिक है, दाह शामक है, कृमि नाशक है और साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। महासुदर्शन वटी का सेवन हमें 2-2 गोलियां दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ, गर्म पानी के साथ लेनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 आयुर्वेदिक दवाइयां जो आपको घर पर जरूर से जरूर रखनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।